हाय दोस्तों, मैं लेके आऊँ आपके लिए वन प्लस नॉर्ड सीई टू के कैमरे का इन डेप्थ रिव्यू। तो दोस्तों, मोबाइल फोन्स के रिव्यू आपने बहुत सारे देखे होंगे, बट ऐसा रिव्यू आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इस बारी एज अ फैशन फोटोग्राफर, मैं पिछले 12 साल से फैशन और सेलिब्रिटी फोटोग्राफी करता हूँ, तो कैमरे का जो रिव्यू है ना, ये बहुत डिटेल में आप लोगों के लिए किया है। क्या इस कैमरे के प्रोज हैं, क्या कॉन्स है, डे लाइट में कैसा था, ये नाइट में कैसा इसने काम किया, इसकी स्टेबिलाइजेशन कैसी है, सब कुछ मैंने निचोड़ दिया है आप लोगों के लिए। तो एंड तक बने रहिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रवीण भट्ट, आई एम सेलिब्रिटी फैशन एंड एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफर बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इस बार इस वीडियो में हम ये नहीं बताने वाले कि ये डब्बा है, ये तारे हैं, ये सब निकला है, बिल्कुल नहीं। एज अ फोटोग्राफर आज मैं आपके साथ बिल्कुल कहते हैं ना इन डेप्थ रिव्यू करने वाला हूं। मार्केट में रिलीज हुआ है विद 64 मेगापिक्सल कैमरा भाई, और एज अ फोटोग्राफर मुझे लगता है मैं आपको इसके सारे फीचर्स जो मैंने पर्सनली अभी यूज किए हैं उनको डिटेल में समझा पाऊंगा। OnePlus का जो नया फोन आया है इसके साथ आपको मिलता है 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा। मैक्रो कैमरा की बात करें वो आपको मिलता है 2 मेगापिक्सल का। तो पहला फ्रंट कैमरा की बात करें दोस्तों, इस फोन को मैं हार्श लाइट में बाहर ले गया, क्योंकि बहुत बार क्या होता है हम अपने दोस्तों के साथ बाहर होते हैं और हमें बहुत सारी फोटोज खींचनी होती है। तो पहले मैं इसको हार्श लाइट में बाहर लेके गया, और जो आप स्क्रीन पे फोटोज देख सकते हैं, मैंने इसको अपने HDR मोड ऑन और ऑफ करके मैंने इसको शूट किया। जो रिजल्ट्स हैं वो आपके सामने है स्क्रीन पे, एंड प्रीटी डिसेंट, मैं बोलूंगा ठीक, ठीक ठाक क्वालिटी थी। डे लाइट में कलर्स वगैरह अच्छे आ रहे थे, पीछे स्काई अगर आप देखो वो भी HDR ऑन करने में थोड़ा सा फर्क पिक्चर्स में दिख रहा था। मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा था, बट यस डिफरेंस थोड़ा सा आ रहा था। फ्रंट कैमरा के वीडियो मोड में जाके आपको एक ऑप्शन मिलता है कि यहां पे आप अपर्चर वैल्यू के साथ खेल सकते हैं, फ्रॉम 0.95F से लेके आप F16 तक अपर्चर खेल सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप जितना शार्प या जितना ब्लर्स चाहते हैं बैकग्राउंड आपका आए पिक्चर्स में, वो आप वीडियो मोड में जाके कर सकते हैं। एक और चीज जो फ्रंट कैमरा में इसके साथ अवेलेबल थी, ये एक छोटा सा एक मैजिक वॉन्ड बना हुआ है, यहां पे आप क्लिक करते हैं तो आप जाके जो है आप अपनी पिक्चर्स को पहले रीटच कर सकते हैं। जो हमारा फ्रंट कैमरा का वीडियो है शूट करते हुए आप इसको रीटच कर सकते हैं, आपका स्किन कलर हो गया, आपके नोज का साइज हो गया भैया, आपका फेस या आपकी जो चीक्स हो गई इसको आप एडिट कर सकते हैं, आईज, बहुत सारे मोड्स हैं जो आप रीटच कर सकते हैं फ्रंट कैमरा में। तो सेकंड, अब आप चलते हैं पोर्ट्रेट मोड पे। तो दोस्तों, पोर्ट्रेट मोड जो है वैसे आईफोन ने बहुत टाइम पहले लॉन्च किया था, और उसके बाद बहुत सारे मोबाइल ब्रांड्स पोर्ट्रेट फोटोग्राफी पे जोर देने लगे, पोर्ट्रेट मोड पे ध्यान देने लगे। एंड एंड्रॉइड तो स्पेशली हर मोबाइल फोन जितने भी अब लॉन्च हो रहे हैं वो पोर्ट्रेट वाले मोड पे ना बहुत ही ज्यादा जोर लगा रहे हैं। जब मैं इसको पोर्ट्रेट मोड में फ्रंट कैमरा से शूट कर रहा था, मुझे इसके कलर्स वगैरह बहुत अच्छे लग रहे थे। वैसे जैसे मैंने कहा डे लाइट में हार्श सन था, उसके अंदर जो कलर्स आ रहे थे, जो डिटेलिंग आ रही थी, आई वॉज हैप्पी कि यार फ्रंट कैमरा उसका बढ़िया काम कर रहा है और पोर्ट्रेट मोड जो है बहुत डिसेंट लग रहा है। लेकिन जब मैं इसके मेन कैमरा पे स्विच कर रहा हूं पोर्ट्रेट मोड लेने के लिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि यार ये पोर्ट्रेट मोड तो है लेकिन ये रियल नहीं लग रहा। मतलब शॉट लेते हुए ऐसा लग रहा था कि बहुत ही ज्यादा पोर्ट्रेट में ना कहते हैं ना बहुत ज्यादा ब्लरी सी चीजें कर दी है, बहुत सब कुछ ऐसा लग नहीं रहा, ऐसा लग रहा है कि कोई फिल्टर मार दिया है। उस टाइम पे भी खींचते हुए भी मुझे लग रहा था कि जब हम रिकॉर्डिंग देख रहे थे कि यार ये चल क्या रहा है, बहुत ही ज्यादा ब्लर हो रहा है, बहुत ही ज्यादा अननेचुरल सा लग रहा है। सो यहां मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी कमी है मेन कैमरा मतलब होने के बावजूद भी, पोर्ट्रेट मोड शुड हैव बीन लिटिल बेटर, मतलब थोड़ा रियलिस्टिक सा तो दिखना चाहिए था। बट यस, फ्रंट मुझे ज्यादा पसंद आया एज कंपेयर टू द मेन कैमरा। तीसरे मोड पे चलते हैं दोस्तों, वो है इसका मेन कैमरा जो कि है 64 मेगापिक्सल का। सो जब मैं इससे अपने शॉट्स ले रहा था, बहुत ही डिसेंट है, मतलब अच्छे शॉट्स आ रहे थे, बट कहीं ना कहीं मुझे जो लग रहा था स्किन टोन एंड डायनामिक रेंज भी है जो उसमें बहुत कमी है। इस रेंज में से अबाउट 24,000-25,000 आपको दूसरे मोबाइल फोन्स, दूसरे ब्रांड्स के मोबाइल भी मिलते हैं जो कि बहुत ही डिसेंट है, और उनके डायनामिक रेंज और शार्पनेस वगैरह काफ़ी बढ़िया है। फ्रंट कैमरा मैंने जैसा कहा मेरे को सही लग रहा था, बट मेन कैमरा का अगर हम जो शॉट्स हैं जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अच्छे लग रहे थे, बट अगेन डायनामिक रेंज, क्लैरिटी मुझे लगता है थोड़ी सी जूम करने के बाद भी जब मैं इसको शॉट्स को देख रहा था, सो इट वाज काइंड ऑफ ओके, आई वोंट से वाओ थे, बट इट्स प्रीटी डिसेंट अगर आपको यूज करने अपने सोशल मीडिया पे। तो कुछ शॉट्स हैं जो कि मेन कैमरा से हमने खींचे हैं मॉन्यूमेंट्स के, मेरे खुद के, ये स्क्रीन पे आप चेकआउट करो।
चौथा एस्पेक्ट आपको जो है इस फोन का, वो हम बात करते हैं साउंड की, जो कि मैंने वहीं रिकॉर्ड किया। लेट्स चेक इट आउट। ओके दोस्तों, किसी भी वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो होता है साउंड। और अभी इस टाइम पे मैं बाहर हूँ जिस यू नो लोकेशन पे आप लोगों के लिए शूट करने आया हूँ। और साउंड जो है अभी जो आप सुन पा रहे हैं डायरेक्ट मोबाइल से रिकॉर्ड हो रहा है। एंड शोर शराबा है, ट्रैफिक का है काफ़ी आसपास शोर, बट अभी जो है आप वो सुन पा रहे हैं कि जो एग्जैक्ट जो साउंड आ रहा है बिना किसी इंस्ट्रूमेंट को लगाए, बिना किसी माइक को लगाए, तो ये डायरेक्ट जो है साउंड आप सुन पा रहे हैं। वेल कमिंग टू द स्लो मोशन, डे लाइट में स्लो मोशन जब मैं शूट कर रहा था, ये मतलब फ्रेम्स बहुत सही लग रहे थे, यू नो जो मैंने भागते हुए थोड़े शॉट्स लिए स्लो मो, मतलब कुछ लैग नहीं हो रहा था, ये नहीं लग रहा था कि भाई कहीं ना कहीं कुछ कमी हो रही है। लेकिन डिटेलिंग की अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि डिटेलिंग इस फोन में डेफिनेटली मिसिंग है। स्लो मो फ्रेम्स सही होने के बावजूद भी अगर आप देख रहे हैं तो चीज़ें शार्प नहीं है, डिटेलिंग में मज़ा नहीं आ रहा, तो स्लो मो आई विल से इट्स ओके। मोड नंबर 6, मैक्रो मोड। तो मैक्रो फोटोग्राफी करते टाइम पे इस फोन पे मैं थोड़ा इंप्रेस ही हुआ कि मेरे को जो अपने सब्जेक्ट पे मैं घर बैठे बैठे थोड़े प्लांट्स पे या कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स डाल के मैं इसको यू नो फोकस लेके शॉट लेना चाह रहा था, तो फोकस लेने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। कई बार होता है कि आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, आप फोकस नहीं ले पाते, ज़्यादा पास दूर थोड़ा जाना पड़ता है शॉट लेते हुए, तो यहाँ पे वो दिक्कत नहीं हुई। बट यस, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा, मैक्रो फोटोग्राफी आप कर रहे हैं और 2 मेगापिक्सल शॉट्स लेने के बाद अच्छे लग रहे हैं, मतलब दूर से आप देखोगे तो सही लग रहा है शॉट, लेकिन मुझे लगता है लगाने लायक नहीं है। इससे बेटर है कि यू नो मैक्रो मोड देते नहीं, बिकॉज डिटेलिंग अगेन यहाँ पे मिस हो रही है। हम इसको जूम करते ही हमारे जो शॉट्स हैं चाहे वो अच्छे दिख रहे हैं बट वो बहुत ज़्यादा फट रहे हैं और उसमें डिटेलिंग जो है वो ज़्यादा नहीं है। नंबर 7 गाइस, स्टेबिलाइजेशन। वेल स्टेबिलाइजेशन डेफिनेटली इस कैमरा में अच्छी है। इस कैमरा में जो मोड मिलता है आपको स्टेबिलाइजेशन ऑन करने का, सो ये डिफरेंस है जो हम लोगों ने वहाँ पे फुटेज खींची। सेल्फी हमारा जो कैमरा है, जो फ्रंट कैमरा है, उसकी स्टेबिलाइजेशन भी आप चेक करें, एंड जो उसका मेन कैमरा है, लेट मी शो यू द फुटेज ऑफ द मेन कैमरा एज वेल। लेट्स गो। या I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shoot tastes sour, you guys, so ye recording jo hum log kar rahe hain front camera ke sath stabilization off karke kar rahe hain, aur thoda bhag ke dekhte hain kya iska jo hai. इतना वैसा भागोगे नहीं ब्लॉग करते हुए, बात करते हुए, बट यस दिस इज द फुटेज, और इसको हम स्टेबलाइजेशन ऑन करते हैं। चलो जी, स्टेबलाइजेशन ऑन है और भाग रहे हैं दोबारा उसी स्पीड पे जिस स्पीड पे पहले थे। सो दिस इज द फुटेज। ड्यूअल विंडो फीचर गाइज, इस मोबाइल फोन में एक ड्यूअल विंडो फीचर भी आता है जो कि बहुत सारे मोबाइल फोन्स में भी है, और ऐसा नहीं है कि कुछ ये नई चीज़ है, बट मुझे लगता है कि एज अ व्लॉगर या एज यू नो अगर आप एक नया मोबाइल फोन खरीद रहे हैं जिसके अंदर एक बड़ा कूल सा फीचर है, बिकॉज उसमें क्या है ना कि आप जब शूट कर रहे हैं उसके अंदर अगर आप चाहें अपने आप को एक सर्कल में पोजिशन कर सकते हैं, आप एक रेक्टेंगल में जाके उसको यू नो मूव कर सकते हैं, या आप स्क्रीन को स्प्लिट मोड में यूज़ कर सकते हैं, जो मुझे लगता है बहुत कूल है। एक ही टाइम पे दोनों कैमरा आपके काम कर रहे हैं, आपका फ्रंट कैमरा भी काम कर रहा है, आपका बैक कैमरा भी काम कर रहा है। सो व्लॉगिंग करते हुए बहुत सही है, कहीं आप यू नो कोई डेस्टिनेशन में है जहां पे आप वो दोनों चीजें दिखाना चाह रहे हैं साइमल्टेनियसली, तो वहां मुझे ये मोड जो है काफी अच्छा लगा। वेल शूट करते करते मैं पहुंच गया नाइट मोड में, क्योंकि मैंने जैसा आपको कहा कि मैं सुबह से लेकर शाम तक ये सारी चीजें एक्सप्लोर करना चाह रहा था कि भाई एज अ नॉर्मल पर्सन हम डे टू डे लाइफ में अपने फोन को कहां कहां यूज करते हैं हम, यू नो मॉर्निंग में अपने दोस्तों के साथ, कहीं कॉलेज में, कहीं रेस्टोरेंट में, शाम को कहीं पे। सो मुझे लगा रात को भैया इसको लेके जाते हैं, बहुत सारे दोस्त हम लोग रात को चिल करते हैं, पार्टी करने जाते हैं, सो वहां पे ये कैमरा कैसे परफॉर्म करता है, तो मैं डिनर पे अपनी फैमिली के साथ गया जहां पे मैंने इसको यूज किया। और मतलब कहते हैं ना रात को किसी रेस्टोरेंट में या एक नॉर्मल यू नो जगह में आप जाते हैं तो वहां लाइटिंग ऐसी रहती है, तो वहां पे मुझे लगा कि ये कैमरा अच्छा परफॉर्म कर रहा था। अगेन जब मैं इसको पोर्ट्रेट मोड में शूट कर रहा था रात को रेस्टोरेंट के अंदर, सो वहां पे भी मुझे दिक्कत लग रही थी कि यस पीछे का जो चीजें हैं वो थोड़ी अननेचुरल लग रही है मुझे, मतलब देखने में मजा नहीं आ रहा था। एंड ऑल्सो कमिंग बैक टू द स्किन टोन, यस रात को भी यार स्किन टोन ऐसा लग रहा है कि इस फोन के अंदर ना वो एकदम एक फिल्टर सा लगाया हुआ है, जो पिक्चर्स के अंदर जब आप देखते हो तो वो रियल नहीं लगता, वो मजा नहीं आ रहा। जो मेन कैमरा था डेफिनेटली वहां अच्छा काम कर रहा था, वहां पर बढ़िया शॉट्स अच्छे आ रहे थे, चाहे रेस्टोरेंट में इतनी नॉर्मल लाइटिंग थी और वो अच्छा रेस्टोरेंट अच्छा दिख रहा है, वहां पर हमारा बैकग्राउंड वगैरह अच्छा आ रहा है, बट अगेन पोर्ट्रेट मोड में जाके वही दिक्कत है। फ्रंट कैमरा अगेन वाइल टेकिंग सम फैमिली शॉट, अगर आप दोस्त लोग हैं आप शॉर्ट्स लेंगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि सबके फेस पे जो है फिल्टर चिपक जाएगा और आप ऐसा जो है आपका स्किन जो है वो ऐसा दिखने वाला है। एंड अगेन मतलब अननेचुरल सा है थोड़ा सा, बट यस हियर आर सम पिक्चर्स जो हमने रेस्टोरेंट में रात को खींचे।
ऑल्सो उसके बाद मैं कैमरा को बाहर लेके गया, रात के टाइम पे कलर्स वगैरह अच्छे आ रहे थे, और कुछ ये वीडियो फुटेज हैं, आप चेक करें जो मैंने वहां पे ली। तो यस, इस फोन के अंदर भी हमें प्रो मोड मिलता है, जिसके अंदर हमारे हाथ में है चीजें कि हम अब फोन यू नो शॉट लेने से पहले केल्विन चेंज कर सकते हैं, आप आईएसओ के साथ खेल सकते हैं, शटर जो है उसके जो सेटिंग्स है वो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक प्रोफेशनल टाइप का मोड आपको मिलता है, जिससे आपको थोड़ा सा अगर मैनुअल फोटोग्राफी करने का शौक है, अपनी सेटिंग्स वगैरह एक DSLR टाइप का फील लेना है, तो वो आप कर सकते हैं। एंड यस, रात के टाइम पे मैं इसको जब शूट कर रहा था अच्छे लग रहे थे शॉट्स मेरे को। कुछ नाइट शॉट्स जो मैंने प्रो मोड में लिए हैं ये आपके सामने, आप चेक करो। वेल, कमिंग टू द लास्ट मोड दोस्तों, नाइट मोड। वेल, बढ़िया, बहुत अच्छा नाइट मोड इन्होंने दिया हुआ है। जब मैं इसको फ्रंट कैमरा यूज़ कर रहा था, बहुत ही अच्छी पिक्चर्स आ रही थी रात को, नाइट मोड में लाइटिंग बहुत अच्छी कैप्चर हो रही थी। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द मेन कैमरा, वहाँ पे मुझे लग रहा था कि यार शायद मेरे पास अगर ट्राइपॉड होता तो शॉट्स थोड़े ज़्यादा क्रिस्प और ज़्यादा अच्छे आते, बिकॉज नाइट मोड में हम जब इसको शूट कर रहे थे थोड़ा टाइम ले रहा था, अपनी सेटिंग्स जो होती हैं इनकी शूट करते हुए जो थोड़े से कुछ एक दो सेकेंड्स का वो यू नो गैप रहता है, तो वहाँ पे पिक्चर्स थोड़ी सी शार्प नहीं थी, थोड़ी सी पिक्सेलेटेड थी। दो दूर से देखने में अच्छा लग रहा था, लेकिन अगेन व्हेन यू गो टू द डिटेलिंग ऑफ द शॉट्स और आप देखते हैं कि यार कैसा लग रहा है जूम करने के बाद, तो वहाँ कमी तो डेफिनेटली लग रही थी। मे बी ट्राइपॉड होता तो और थोड़े से शार्प शॉट्स आ जाते, बट येस नॉट दैट वाओ। एंड रात के टाइम पर भी अगर हम बात करें तो स्लो मोशन जो है इतना ज़्यादा खास नहीं था, लैग था थोड़ा सा, फ्लिकर भी मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं हो रहा है। सो ऑल टुगेदर मैं कहूँगा इट वॉज ओके, बट येस फ्रंट कैमरा डेफिनेटली वॉज गुड वाइल शूटिंग ऑन द नाइट। दोस्तों तो ये था रिव्यू मेरी ओर से। तो अगर आप मेरे से पूछें कि आप ये मोबाइल फोन लेना चाहेंगे कि नहीं, ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं, बिकॉज देखो ये ऐसी चीज़ें हैं जो आई एम श्योर सिस्टम में ठीक करी भी जा सकती है। जब आप एडिटिंग पे बैठे हैं बहुत सारी चीज़ें आप कवर अप कर सकते हैं। आपका क्या मानना है, आपको कैसा रिव्यू लगा इस फ़ोन का, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वन प्लस जैसी कंपनी दोस्तों बहुत बड़ी कंपनी है, कोई रातों रात को मोबाइल बनाने शुरू नहीं किया। आई एम श्योर कि दे आर डूइंग एन एक्सेलेंट जॉब, और एक मोबाइल फ़ोन बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत सारी डिटेलिंग इसमें जाती है, विच आई एम श्योर यू नो जो फ़ोन कंपनीज वगैरह वो आराम से इनको डे बाय डे अपग्रेड भी कर रही हैं। और किस फ़ोन के बारे में आप चाहते हैं मैं डिटेल रिव्यू करूँ, किस कैमरे का आप रिव्यू देखना चाहते हैं, मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। आज का वीडियो कैसा लगा वो भी मुझे बताइएगा। इंस्टा फैमिली हमारी हो गई है 240K, ये रहा लिंक, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया आज ही मुझे ज्वाइन करना और अपने व्यूज मुझे वहां पे भी देना। आई विल बी बैक सून विद द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।